आप लोगों के जीवन में उतरे। अगर मायके में भाई, मायके में भाभी, मायके के लोग अगर आपके माँ बाप का श्राद्ध नहीं करते हैं तो बेटी भी अपने माता पिता का श्राद्ध कर सकती है। उसने भी दूध पिया है अपने माता पिता का, पर वो श्राद्ध का भोजन कौन कराएगा? बेटी का पुत्र हो, बेटी की पुत्री हो, वो करा, और नाम वो नाना नानी का ले ले करे। अगर वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं संभालते, वो नहीं जानते, तो आप करो, तो करे। दो भाग होते हैं, जब एक रोटी गाय के मुख में दी जाती है, गाय के मुख में जब हम रोटी देते हैं, एक रोटी जब देते हैं, या तो गाय के मुख में 16 श्राद्ध में जब रोटी देते हैं तो रोटी को बीच में से तोड़कर, रोटी का जो दो भाग होता है उसको, मतलब ऊपर से फुलका का परत नहीं निकालना है, रोटी जो सीधी सीधी है ना, जैसे ये रोटी है तो इसको बीच में से तोड़ लिया, दो भाग विभाजित कर लिया, नीचे वाले भाग में भी थोड़ा सा गुड़ शक्कर रख लिया, ऊपर वाले भाग में भी गुड़ शक्कर रख लिया, एक के ऊपर एक रोटी को रख लिया, वो गाय को दी। तो अपन श्राद्ध पक्ष में दो पूड़ी का प्रमाण है कि गाय को दो रोटी दी जाती है, कुत्ता को दो रोटी दी जाती है, दो पूड़ी रख के देते भी नहीं देते? आप लोग तो देते होगे, दो पूड़ी के ऊपर पूड़ी रखकर, थोड़ा सा मीठा रखकर, नमकीन रखकर, कुत्ते को भी देते, दो पूड़ी तोड़कर कागा को भी देते। दो पूड़ी का प्रमाण कहां से आया? दो भाग रोटी के टुकड़े का प्रमाण कहां से आया? श्राद्ध पक्ष में ही ऐसा क्यों किया जाता है? बाकी के समय पर तो कोई ऐसा दो पूड़ी का प्रमाण ही नहीं, पर श्राद्ध पक्ष में ये क्यों कहा जाता है कि पूड़ी के ऊपर पूड़ी रख दे, उसमें मीठा रख दे, खीर शक्कर रख दे, गाय को दिया, कुत्ते को दिया, कागा को दिया, ऐसे क्यों कहा जाता है? उसका कारण क्या होता है? उसका केवल एक कारण है, जो नारी ने भोजन का निर्माण करा है, जो घर की बहू भोजन बनाई है, जो घर की बेटी ने भोजन बनाया है, घर की माता ने भोजन बनाया है, महाराज पिता पुरुष एक कुल को तारता है, बेटी दो कुल को तारती है। जब श्राद्ध पक्ष में दो भाग रोटी के करकर गाय को देती है तो एक भाग तो उसके ससुराल वालों को मिलता है।